हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम अब पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन पर क्वेश्चंस। तो मैंने आपको देखो कल क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी थी। दो तीन आपको क्वेश्चन भी कराए थे। आज उन्हीं पर बेस्ट आगे के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आपका एनटीपीसी का एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि एनटीपीसी में एडवांस के नाम पर सिर्फ क्या रखा जाता है, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस रखे जाते हैं और ज़्यादा ज़्यादा एलजेब्रा के रखे जाते हैं, तो वो बहुत छोटे और इजी होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत छोटे और इजी क्वेश्चन ही देते हैं आपके प्री में। मेंस की तो बात अलग करेंगे, मेंस के लिए मैं आपको अलग से ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा पढ़ा दूंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है। यानी कि एक ये क्या है आपका वर्ग है, जिसका विकर्ण हमें कितना दिया है, 40√2 दिया हुआ है। तो अगर इसकी भुजा ए है तो हमसे बोला है कि भाई एक तो ये समचतुर्भुज है आपका, है ना, और एक वर्ग है। तो अगर हम बात करें समचतुर्भुज की, तो आप जानते हैं समचतुर्भुज ऐसा होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और हमने ए यहाँ पर क्यों माना है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि वर्ग की और समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर हैं। इसका विकर्ण कितना है, √2 होता है। आप जानते हैं कितना होता है √2, यानी कि √2। आप ये कहेंगे कि जो √2 है वो किसके इक्वल है, आपने कहा 40√2 के इक्वल है। यानी कि अगर हम यहाँ से भुजा निकालें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो आपको पता चला कि वर्ग की भुजा 40 है, तो समचतुर्भुज की भुजा भी कितनी होगी, आपने कहा 40। तो देखो यहाँ पर भी 40 हो जाएगी, यहाँ पर भी 40 हो जाएगी। हमें इसके विकर्ण का अनुपात दे रखा है 3 और 4 का, क्या दे रखा है, अगर ये 3x है तो ये कितना वाला होगा, आपने कहा 4x। ये पूरा 3x है, ये पूरा 4x है। तो देखो आप यहाँ पर ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं, ये 3 है ये 4 है, तो आप जानते हैं कि इतना यहाँ पर ये 90 पर काटते हैं तो ये 3/2 होगा, ये 4/2 होगा, तो ये 5/2 होगा, जिसकी वैल्यू आपको 40 दे रखी है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैंने कहा कि अगर ये 3/2 है यहाँ तक, है ना, ये कितना है आपका 3/2x है, और ये जो यहाँ पर होगा आपका ये अब 4x/2 होगा, ऐसे समझ लो। अब आप जानते हैं 3 और 4 के साथ 5 ट्रिपलेट बनता है, तो 5 नहीं बनेगा, 5/2 बनेगा, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो वो भी आधी ही होनी चाहिए। तो आपने कहा 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, आपने कहा 40, क्योंकि ये भुजा 40 तो ये भुजा भी 40, ये भी 40, ये भी 40, तो 5 8 40, तो आपका 8 चौक 8 दूनी 16, यानी कि कितना आ गया आपका एक्स की वैल्यू, 16 आ गई। अब आप जानते हैं ये पूरा कितना है, 3x है, तो 16 दूनी 32 16 3 48, ये वाला डायगनल होगा, 16 चौक 64, ये वाला डायगनल हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो देखो एरिया कितना होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो हम देखेंगे कि 1/2 ये वाला कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर 16 पुट करें, 16 दूनी 16 3 48, 16 चौक 64, तो आपको इससे डिवाइड कर देना है 24 बार में, और हम क्या करेंगे 24 की गुणा 64 से कर देंगे। अगर हम 24 की गुणा 64 से करते हैं तो देखो करने का सिंपल सा तरीका, इसको 20+4 लिख लो और इसको क्या लिख लो 64। आप जानते हैं 128 होता है तो 1280 तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी गुणा करना कौन सा हार्ड है, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा आपका 1, 4 6 24 और 1 25, आप जोड़ेंगे तो 6 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1 2 दूनी 4 1536, आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो 1536 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर जो मर्जी कर लो, जो इसमें यूनिट दी हुई है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना इजी है, अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ ट्रपलेट लगा के किया था। अगर किसी बच्चे को ट्रपलेट लगाने नहीं आती है तो मैंने इसमें एक रिलेशन बताया था आपको, मैं ये कैलकुलेशन रफ कर देता हूँ कि इसकी जो रोम आपका रोमबस होता है, यानी कि समचतुर्भुज जो होता है, इसकी एक मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये बताई थी कि इसकी चारों भुजाओं के योग का जो स्क्वायर होता है 4a² वो होता है आपके d1 के स्क्वायर और d2 के स्क्वायर के बराबर। तो आप यहाँ से भी साइड निकाल सकते हैं, अगर आप यहाँ से साइड निकाल लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर d1 और d2 के हिसाब से अगर आप x की वैल्यू लिखते, देखो यहाँ 3x लिखते, यहाँ हम 4x लिखते, और a का तो स्क्वायर आपको पता ही है कि 40 का स्क्वायर 1600, यहाँ पर लिखकर अगर आप x की वैल्यू निकालते तब भी आपकी कितनी आती, यही आती ही 16। 16 के बाद आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ती, तो इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 90 का बन रहा है तो ट्रपलेट लगेगी ही लगेगी, अगर ये आपको दिया हुआ है तो। बस ट्रपलेट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप ट्रपलेट अच्छे से लगाना जानते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए रोमबस का हार्ड नहीं होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं रोमबस के। बस आपसे क्या पूछेगा, एरिया पूछ सकता है, पैरामीटर पूछ सकता है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 तथा 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। तो देखो एक समचतुर्भुज हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक सम चतुर्भुज दिया हुआ है। अगर आपके पास सम चतुर्भुज है तो देखो हम बहुत इजी से काम कर सकते हैं, हमें इसके क्या दे रखे हैं, विकर्ण दे रखे हैं,
एक ही विकर्ण है, एक ही विकर्ण है, ठीक है। दो विकर्ण हमें दिए हुए हैं जिसमें क्या बोला है उन्होंने, 32 और 24 बोला हुआ है। तो हमसे पूछा कि समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, तो ये 32 है ये पूरा मान लो, और ये 24 मान लो, ये पूरा 24 होगा। तो देखो ट्रपलेट तो हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिमाग में नहीं आ रही हो ये 24 और 32 के साथ क्या ट्रपलेट बन रही है, तो बहुत आसान है। आपको पता है कि ये जो पूरा स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है सिंपल सा 4a² 4a² बराबर इक्वल होता है d1² प्लस d2² के, क्या होता है d1² और d2² के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं देखो हमें इसकी साइड चाहिए, तो अगर हम इसकी साइड निकालते हैं तो मैंने आपको कल बताया था कि 1/2 होता है और अंडर रूट में ये होता है d1² प्लस d2², ठीक है। तो ये a बराबर क्या होता है 1/2 d1 और d2 का स्क्वायर। तो अब हम इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको ये ट्रपलेट नहीं पता, जैसे 32 और 24 का हमें कहाँ से याद आएगी एकदम ट्रपलेट, तो हमने कहा हम इसको लगा लेंगे। तो आपको ये बात तो याद रखनी है, साथ में ये बात याद रखनी है कि अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो ये आती है। अब देखो स्क्वायर निकालना कौन सा बड़ी बात है, आपने कहा 1/2, आपको किसका स्क्वायर करना है, आपने कहा 32 का स्क्वायर करना है, साथ में 24 का स्क्वायर करना है। मैंने स्क्वायर आपको निकालना सिखाया है, 32 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 24 का तो सभी को याद होता है 576 होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि 1024 होता तो मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो 2 का स्क्वायर करो 04 लिखेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट लिखना जरूरी होता है। मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड की है, आप देख लेना, ट्रिक करके प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने घन, घनमूल, वर्ग और वर्गमूल निकालना आपको सब सिखाया है। तो आपने कहा 4 हो गया, यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, दोनों का लिखो, आपको इसका स्क्वायर तो निकालना है, तो 3 2 6 6 2 कितना हो जाएगा 12, 12 और लिख दो तो ये 24 और ये 10, तो 1024 आपका ये हो जाएगा। तो आपने कहा 1/2 अंडर रूट में 1024, 24 का निकालना तो जरूरत ही नहीं है, 576 आप सभी को पता, तो ये हो जाएगा 576। आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हाफ 6 4 10 का 0, ये भी कितना हो जाएगा 7 और 3 10 का 0, हासिल लगा आपका 1 और कितना हो गया आपका 6 4 10 का 0, 7 और ये 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 1 6 16, आप जानते हैं इसका कितना आ जाएगा, आपने कहा हाफ 40। तो आपने देखा कि कितना आ गया भुजा 20, अगर इसकी भुजा है आप जानते हैं 20 ये होगी, 20 ये होगी, 20 ये होगी और 20 ये होगा, तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप क्या होता है, आपने कहा 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा कितना हो गया 20, तो यानी कि 80 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ईजी है अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज इसकी याद हैं। मैंने कहा कि अगर आपकी दिखाई दे जाए ट्रपलेट क्या बन रही है, क्या हो रहा है, अगर ट्रपलेट क्या बन रही है तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब देखो ये मत कह देना कि ये पूरा 32 है, ये पूरा 32 नहीं है मेरे भाई, ट्रपलेट लग जाती है, देखो ये 16 होता है, ये 12 होता तो ये 20 है। अब ये कौन से अनुपात में बन रही है, 3 4 5, लेकिन मुझे क्या करना था आपको, मुझे आपको इस मेथड से भी बताना था, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे है ना, अब एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं है, आपके 7 चल रहा है, तो 3 4 और 5 है, देखो 5 की वैल्यू 20 है, 4 की 12 है और सॉरी 16 है और 3 की 12 है, तो ये मल्टीप्लाई में चलता है, तो आपको क्या करना है ट्रपलेट भी देखनी है। अगर आप ट्रपलेट से निकाल पा रहे हैं तो बहुत इजी है, वरना ये मेथड तो आपके लिए है, ये कहीं नहीं जाने वाला और बहुत लेंथी नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए इतना करना पड़ता है कि यहाँ आपको लिखने की जरूरत है, ये लिखने की जरूरत है। आपको क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़कर वर्गमूल निकाल कर आधा कर देना है, सीधे आपकी भुजा मिल जाएगी। ये तो सब समझाने के लिए होता है, अगर हम एग्जाम में निकालेंगे मैं कहूँगा 32 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर जोड़ो, वर्गमूल निकालो और आधा कर लो, यही तो है, इतनी सी प्रोसेस है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा फर्ज होता है कि हम आपको हर एक चीज़ पूरी पूरी बताएं कि हम कैसे कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास बोला है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक समचतुर्भुज है, ऐसे बना लेते हैं टेढ़ा, वर्ग की तरह नहीं दिखना चाहिए, वर्ग भी आपका एक समचतुर्भुज ही है, बस वर्ग में और समचतुर्भुज में क्या अंतर होता है, समचतुर्भुज में ये 90 का एंगल नहीं होता, वर्ग में 90 का एंगल होता है। तो आपने कहा इसकी साइड एक्स 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 और एक्स होगा, अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो 4x होगा, जो कि आपको कितना दे रखा है 40, आपने कहा x की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 10 आ गई, यानी कि मुझे ये पता चल गया इसकी भुजा कितनी है, आपने कहा 10 10 10 और ये भी 10 हो गई, सारी भुजा हमें पता चल गई। इसकी हाइट मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर पुट कर दूँ तो हाइट इसकी कितनी है 5। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चतुर्भुज बन रहा है तो उसमें आपको क्या करना होता है एरिया निकालने के लिए, बस हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो बेस और दूसरा हाइट। आप जानते हैं बेस कितना है, आपने कहा 10 है, हाइट कितनी है 5, तो एरिया कितना हो जाएगा 50। तो बहुत इजी है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो, इससे पहले की अगर क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना। ये मैं अभी आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि कल ही मैंने आपको क्या किया है, आपको इसके बारे में पढ़ाया है। तो आज अगर मैं आपके लिए एकदम बहुत हाई लेवल क्वेश्चन रख दूंगा तो क्या होगा, जो स्टार्टर बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी बिगिन किया है, स्टार्ट करना है, प्रिपरेशन किया है अपने SSC की,
तो वो क्या होता है, घबरा जाते हैं, इतने बड़े क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम। तो देखो कोई भी शुरुआत वहीं से करता है जहाँ से सबने की है। आज जिसको मैथ्स आती है, जिसको मैथ्स नहीं आती है, उन्होंने भी सबने स्टार्ट वहीं से किया होगा, जीरो से। तो बस मैथ्स को पढ़ते रहो, आपकी स्ट्रांग अपने आप हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि मैथ्स कब आपकी स्ट्रांग हो गई। बस प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे मैथ्स उतनी स्ट्रांग होगी। आपको कभी पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बहुत बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए, आप मुंह जवानी करने लग जाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो हमें दिया है कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक समचतुर्भुज है, इसका जो क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसका एरिया पता है, एरिया कितना पता है, आपने कहा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, तथा एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो एक विकर्ण की लंबाई 10 दे दी, मान लो ये दे दिया, ये वाला हमसे पूछा है। अब ये हमें निकालना है, तो आप जानते हैं कि जो एरिया होता है वो एरिया होता क्या है, आपने कहा हाफ डी वन इंटू डी टू, तो बहुत ईजी है, ये तो 150 दिया है बराबर हाफ डी वन आपका कितना दिया है, आपने एक तो 10 दे रखा है, तो डी टू निकालना है। सपोज दैट आपने कहा 5, 5 से 30 बार में कट जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा डी टू। तो देखो कितना ईजी है, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इनसे बड़े क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे, क्योंकि आपका अगर बेसिक क्लियर है तो बड़े क्वेश्चंस बेसिक से भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि क्या आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है बोला है कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। ओके भाई, किसी समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो 100 सेंटीमीटर हमें दिया है, तो हमें इसका परिमाप पता है, यानी कि अगर ये एक्स होता है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ए ले लो, कुछ भी ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, बस भुजा सेम होनी चाहिए। अगर ये एक्स है तो आप जानते हैं कि 4x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 100, तो आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे 25। तो मुझे एक बात पता चल गई कि इसकी जो भुजा होगी वो 25 सेंटीमीटर की होगी। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि इसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर है तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखो आपको बहुत आसान है, बात ये आती है कि इसका एक विकर्ण आपके पास 14 है, तो आप मानते अगर मैं इसको 14 मान लो तो ये 7 होगा, इधर 7 ये होगा, और ये कितना आ गया आपका 25, तो ये कितना हो गया आपका 25। तो क्या मैंने आपको एक ट्रपलेट नहीं बताई है, कौन सी वाली बताई है, 7 को लेकर, तो अगर ये 7 है, ये 25 है, तो ये सिंपल सी बात है कितना होगा, ये वाला 24 होना चाहिए। तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके दिमाग में ट्रपलेट चलती हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसमें निकाल कर भी आपको दिखा सकते हैं कि वो कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हमसे पूछा गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि मुझे ये वाला तो निकालना ही पड़ेगा भाई। अगर ये निकालना है आपको तो आप किसका सहारा ले सकते हैं कि 4a² यानी कि भुजा का स्क्वायर, या x ले लो आप, यहाँ हमने x माना है, x² बराबर होता है d1² प्लस d2² देखो लेंथ ही पड़ेगा बिना बात, अगर ट्रपलेट दिख रही है ये 7 होगा, ये 25 है, ये कितना होगा 24। आपको मैंने देखो ट्रपलेट निकालना भी सिखाया था कि अगर विषम है तो 7² कितना होता है, आपने कहा 49, 49 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, आपने कहा था 12.5 के आसपास, है ना, 12 नहीं, 12 के आसपास नहीं, कितने के आसपास आएगा आपका 24.5 के आसपास, 24 × 48 होता है, 24.5 आज के 5 के आसपास। तो मैंने बताया था आपको एक इसका आगे का लेना है यानी कि 25 लेना है, और एक इसके पीछे का लेना है यानी कि 24 लेना है। तो आपको पता कि अगर 7 बन रहा है तो 7 के साथ ट्रिपलेट बनेगी 24 और 25, तो आपने देखा 25 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि 12 और 12 यहाँ पर होना चाहिए। तो हमें देखो क्या पता चल गया, दोनों विकर्ण पता चल गया। इस काम से क्या पूछा है, एरिया पूछा है, तो एरिया निकालना हमारे लिए बड़ी बात है, आपने कहा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो एरिया होता है वो हाफ d1 और d2 होता है, तो हाफ d1 कितना है, आपने कहा देखो 24 लेंगे पूरा, आधा मत ले लेना, 24 × आपने कहा 14, तो हम इसे 7 से काट दें, तो 7 × 4 = 28 का 8 हासिल आपका कितना हो गया, आपने कहा 2 हो गया, 7 × 2 = 14 = 15 = 16 100 आपका 68 क्या हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इस सवाल का आंसर निकाल पाएंगे, देखो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं आने वाली है, बस हमें क्या करना है, हमें अपनी चीज़ें सही करनी है। अगर आपने अपनी सारी चीज़ें सही रखी हुई हैं तो आप आराम से कर लेंगे। अब देखो अगर हम इसे करें तो हमने क्या निकाला, हाँ एरिया निकाल लिया हमने 1/2 d1 और d2। हमसे क्या बोला, यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 100 है तो उसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बहुत ही ईजी से हमने इसका निकाल लिया है। अब देखो अगर हम बात करें किसकी, अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कि किसी समलंब मैदान का क्षेत्रफल 1440 है, तो आपको सबको पता है समलंब कैसा होता है, आपने कहा ऐसा होता है। अगर हम बात करें समलंब की तो ऐसा होता है, तो अगर आपका समलंब ऐसा है तो देखो हम क्या करने वाले हैं,
हमें बोला है कि उसकी समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 24 है, यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। और हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में आगे, अगर आप देखेंगे कि समांतर भुजाओं का अनुपात 5 और 3 है, यानी कि ये 3 होगी तो ये 5x जरूर लगा लें, ठीक है, अनुपात दिया हुआ है तो x मान लेते हैं हम। तो हमसे क्या पूछा है, तो बड़ी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा बहुत ईजी, हमें इसका एरिया भी पता है भाई 1440 है, तो इसका 1440 अगर एरिया है तो हमें एरिया पता है कितना होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 3x और 5x 8x इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई आप जानते हैं कितना दिया हुआ है 24, ये एरिया है क्वेश्चन के हिसाब से 1440 दिया हुआ है। 12 से काटेंगे 2 बार, 12 दूनी 24, 12 से काटेंगे 120 बार, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 15 8 120, एक्स का मान कितना आ गया, आपने कहा 15 आ गया, तो आपको पता है बड़ी भुजा पूछी है तो 15 5 75 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बस आपको इससे पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी जहां पर मैंने आपको ये सारे कंसेप्ट बताए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगले क्वेश्चन की हम और चलते हैं कि हमें क्या बोला हुआ है, हमने इजी इजी क्वेश्चन इसलिए रखे हैं कि आपको समझ में आए मेंसुरेशन है क्या, उसके बाद जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो देखना हम कितने अच्छे लेवल में तक के क्वेश्चन इसमें रखेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें 3:2 दिया हुआ है। तो एक आयताकार क्षेत्र है, मान लो ये आयताकार हमारे पास क्षेत्र है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 3 और 2, तो यानी कि ये 3x और ये 2x हो गई, ठीक है भाई। अगर ये 3x है और ये 2x है तो आपको पता ही 3 है 2x होगी और ये 3x होगी। आगे हमसे क्या बोला हुआ है इसमें, यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप, परिमाप आप जानते हैं चारों भुजाओं की तरफ घूमना, 80 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो सॉरी इसकी चौड़ाई क्या होगी, चलो क्षेत्रफल भी पूछा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चौड़ाई पूछिए, आप जानते हैं चौड़ाई 2x है। तो अगर हम इसका परिमाप निकालें तो 2l + b की वैल्यू भाई हमें कितनी दी हुई है, 80, आप जानते हैं इससे तो ये 40 बार में कट ही जाएगा। आपने कहा l + b 3 और 2, 5x की वैल्यू आपके पास 40 है, आपने 5 से काट लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 8 40, 8 8 3 24 आपका ये हो जाएगा, 8 2 16 आपका ये हो जाएगा। अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो 24 की गुणा किससे कर लीजिए, 16 से कर लीजिए, बहुत इजी। अब आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस तो कर पा रहे होंगे। देखो अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं एरिया का, कि मैं यहाँ एक्स क्यों मान रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है, हाँ बेशक नहीं है वहाँ एक्स मानने की ज़रूरत, लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे ना तो अगला सवाल करके देखिए, बिना एक्स के आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो बोला है कि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, तो एक आयताकार क्षेत्रफल है या क्षेत्र है 5 और हमें ये 4 दिया हुआ, तो एक्स मैंने यहाँ पर माना है, अगर आप नहीं मानना चाहते हैं तो मत मानिए, फिर कन्फ्यूज होंगे। तो हमसे क्या बोला है, यदि इसका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है, हमसे बोला है एरिया 500 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको पता है कि जो एरिया होता है वो l × b होता है, l × b होता है 500, अगर आप यहाँ x नहीं मानेंगे तो आप 5 × 20 वैल्यू ही 500 बोल देते हैं, जो कि गलत हो जाता। अभी मैं यहाँ बोलूँगा जरूर 5 × 20 लेकिन एक्स स्क्वायर, तो 20x² की जो वैल्यू होगी मेरे भाई वो होगी 500। हम क्या करते हैं 20 की वैल्यू 500 रख देते हैं और अंडर रूट नहीं निकालते, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने कहा 25, एक्स का मान आपने कहा 5, अगर एक्स का मान 5 है तो ये 20 होगी और ये 25 होगी। तो देखो इसलिए हम एक्स मानते हैं कि जब भी वो क्षेत्रफल की बात करने लगता है तो बच्चे क्या करते हैं 20 की डायरेक्ट वैल्यू 500 रख देते हैं और एक्स का मान 25 निकाल के हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत हो जाता है। तो मैंने आपको इसलिए ये पढ़ाया सब ताकि आप अपना बेसिक क्लियर कर पाएँ। अगर आपको अभी देखो ये मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ इजीली ताकि आपको समझ में आए, UPSI का बहुत जल्द हम बैच लेकर आने वाले हैं, उसमें बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं UPSI तो बड़े लेवल की जॉब हो गई थोड़ी सी। तो अभी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है, और जो लोग कर्ज कर बैठे हुए उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनको देखते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तभी आपको सारे कंसेप्ट याद रहेंगे, वरना आप सभी जानते हैं कि हम भूल जाते हैं। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।